हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में हम डे टू यानी चेस्ट एंड ट्राइसेप वर्कआउट लगाएंगे। हमारा वर्कआउट शेड्यूल कुछ इस तरह का होगा। चेस्ट और ट्राइसेप को हम सुपर सेट में लगाएंगे, यानी एक चेस्ट की एक्सरसाइज और एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज। चेस्ट में हम अपर चेस्ट एंड लोअर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज लगाएंगे और ट्राइसेप के सभी हिट्स को ट्रेन होने वाली एक्सरसाइज लगाएंगे। आपके सामने कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान लाया हूँ जो आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि कौन कौन सी एक्सरसाइज लगानी है, एक्सरसाइज के टेक्निक एंड ट्रिक्स, कितने सेट्स एंड रेप्स लगाने हैं, रेस्ट बिटवीन सेट्स कितना होगा, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। आज की फर्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसके 3 सेट्स लगाने हैं 8 रिपीटेशन के साथ। वेट हम हेवी यूज़ करेंगे। इंक्लाइन बेंच को हम 30 डिग्री पर सेट करेंगे टू मैक्सिमाइज अपर चेस्ट एंगेजमेंट। बैक में एक स्मॉल आर्क का फॉर्मेशन करना है और चेस्ट को अप रखना है और शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट रखना है। अपने एल्बो और बॉडी के बीच में 30 से 45 डिग्री का एंगल बना करके हम एक्सरसाइज को लगाएंगे ताकि जो हमारा मैक्सिमम इफेक्ट है वो चेस्ट पे पड़े, शोल्डर पे कम इफेक्ट पड़े। इसके साथ सुपर सेट लगाएंगे डंबल स्कल क्रशर। स्कल क्रशर इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू ग्रो ट्राइसेप्स। इस एक्सरसाइज में हम ट्राइसेप को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन भी मिलता है। इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे 12 रिपीटेशंस के साथ और इसमें हम जो वेट यूज़ करेंगे वो हेवी रहेगा। सेकंड एक्सरसाइज है बारबेल बेंच प्रेस। इसके 3 सेट्स लगाने हैं 8 रिपीटेशंस के साथ। वेट हम यहाँ हेवी यूज़ करेंगे। जब आप बार को नीचे लाएंगे तो उसे अपने लोअर चेस्ट पर टच करेंगे टू गेट मैक्सिमम स्ट्रेच। फिर आपका बार ऊपर करना है और अप करते टाइम आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप बार को क्रश कर रहे हैं या बेंड कर रहे हैं इनवर्ड अपने दोनों हाथों से। इसके साथ हम सुपर सेट लगाएंगे ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन विद रोप। इसके 3 सेट्स लगाएंगे 12 रिपीटेशंस के साथ। इस एक्सरसाइज में वेट हम मीडियम यूज़ करेंगे। लो टू हाई पुल्ली का सेटअप हमें करना है। जब नीचे जाएंगे तो मैक्सिमम डाउन जाएंगे जिससे हमारा ट्राइसेप प्रॉपर स्ट्रेच होगा और जब वेट को हम ऊपर खींचेंगे तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ट्राइसेप मसल्स को जिससे हमारा मसल्स को ग्रो करने में हेल्प होगा। आज की थर्ड एक्सरसाइज है हाई टू लो केबल फ्लाई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू टारगेट लोअर चेस्ट। इसके 3 सेट्स लगाएंगे 12 रिपीटेशन के साथ। वेट हम मीडियम यूज करेंगे। कुछ ऐसा सेटअप आपको लगाना है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए और आप ऐसे ही फॉर्म को एक्सरसाइज लगाएंगे। चेस्ट ऑलवेज अप रहेगा। दोनों हाथ को एक लिमिट तक ही आपको पीछे ले जाना है, नहीं तो आपके शोल्डर जॉइंट में पेन स्टार्ट हो सकता है। इसके साथ हम सुपर सेट लगाएंगे ट्राइसेप पुश डाउन। ट्राइसेप पुश डाउन हम स्ट्रेट बार से लगाएंगे। इस एक्सरसाइज से हम ट्राइसेप के मीडियल हिप को ट्रेन करेंगे। इसके 3 सेट्स लगाएंगे 12 रिपीटेशंस के साथ। इस एक्सरसाइज में हम वेट जो यूज़ करेंगे वो हेवी रहेगा। प्रॉपर माइंड एंड मसल कनेक्शन के साथ अपने ट्राइसेप को स्ट्रेच करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आज के सेशन का लास्ट वर्कआउट है इंक्लाइन केबल फ्लाई। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक 30 डिग्री इंक्लाइन बेंच चाहिए। उसे इस तरह सेटअप करना है और एक्सरसाइज परफॉर्म करना है बिल्कुल इसी फॉर्म के साथ। ये एक्सरसाइज हमारे इनर चेस्ट यानी पेक्टोरियल माइनर को हिट करती है। इस एक्सरसाइज के हम 3 सेट्स लगाएंगे 12 रिपीटेशंस के साथ। चेस्ट के वर्कआउट में केबल फ्लाई और डंबल फ्लाई के वेरिएशन को कंपलसरी रखना चाहिए। इसके साथ सुपर सेट लगाएंगे इंक्लाइन डंबल किक बैक। इस एक्सरसाइज के हम 3 सेट्स लगाएंगे 12 रिपीटेशंस के साथ। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें 30 डिग्री इंक्लाइन बेंच का सेटअप चाहिए और सेम फॉर्म के साथ इस एक्सरसाइज को हमको लगाना है।